हेलो एंड वेलकम टू मॉम्स डायरीज। आज का टॉपिक है रात को ब्रेस्टफीडिंग कराते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ब्रेस्टफीडिंग कराना किसी भी महिला के लिए सबसे अच्छा और सुखदायी पल होता है, लेकिन रात को ब्रेस्टफीडिंग कराते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बच्चे को दूध पीने में कोई परेशानी ना हो और वो आराम से सो सके। रात के समय ब्रेस्टफीडिंग कराना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि रात में अगर ब्रेस्टफीड किया जाता है तो आपका शरीर अधिक मात्रा में प्रोलैक्टिन का उत्पादन करता है। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो दूध उत्पादन को बढ़ाता है, इसलिए रात में बच्चे को दूध पिलाने से ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है। रात को हमेशा बच्चे को अपने पास ही सुलाएं ताकि आपको अपने बच्चे की परेशानी का पता चल सके और आप उसे जल्द से जल्द दूध पिलाकर वापस सुला सकें। अगर आपका नवजात शिशु है तो आप उसे बैठकर ही दूध पिलाएं ताकि बच्चा ठीक से दूध पी के वापस आराम से सो सके। जब आपका बच्चा करवट लेना शुरू करे तब उसे आप लेटे लेटे भी दूध पिला सकते हैं, लेकिन उस समय ये बात का भी ध्यान रखें कि आपके ब्रेस्ट का वजन शिशु की नाक पर ना गिरे, नहीं तो बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। रात में जब आपका बच्चा दूध पीने के लिए जगता है तो कोशिश करें कि कमरे की लाइट बंद ही हो, इससे आपका बच्चा दूध पीते पीते वापस से सो पाएगा। मैंने मेरे पहले वाले सारे वीडियोस में यही बताया है कि आप शुरू से ही बच्चे को लाइट बंद करके सुलाने की आदत डालें ताकि बच्चे को दिन और रात में फ़र्क समझ सके। और सबसे ज़रूरी बात, नवजात शिशु को डकार अवश्य दिलाए, नहीं तो उसका सारा दूध वापस आ जाएगा। और बच्चा जब भी जगे तब उसे ज़्यादा रोने ना दे, तुरंत उसे दूध पिलाए। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। आपके सवाल और सुझाव मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।